हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरमिला रावत उत्तराखंडी में। और अभी मॉर्निंग टाइम है तो हस्बैंड गए ड्यूटी, तो उनके लिए मैंने लंच बना लिया था। तो अब बस मेरे क्लीनिंग जो है मॉर्निंग वाला शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया आज सूरैक से, तो सूरैक मैंने हटा लिया है क्योंकि इसके नीचे भी कूड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं इधर ही क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर मैं झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी और इस सूरैक मैं इसी साइड में लगा लूंगी। और जो ये वॉश बेसन, ये सॉरी जो ये वॉशिंग मशीन थी वो पहले मेरे बाथरूम के बाहर थी, लेकिन वहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम होती है आने जाने में। तो मैं इसको भी यहीं पे जीने के नीचे ही सेट कर लूंगी फिलहाल। तो वॉशिंग मशीन रखने के बाद मैं वहीं पे सू रैक भी रख लूंगी, और जब मुझे कपड़े धोने होंगे तो मैं निकाल लूंगी। फिलहाल मैंने इसको यहीं पे रख लिया है। तो बस सुबह का तो यही सारा काम हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है सुबह। तो मशीन सेट करने के बाद और अब मेरा जो है कि झाड़ू लग रहा है, और सारे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं आगे के काम करती हूँ। तो यहाँ जो है कि वॉश बेसन गंदा हुआ था तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, और मुझे एक DIY भी बनाना है। तो इसके बाद मैं DIY भी बना लूँगी और साथ में घर के सारे काम भी कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे ली है ये थैली, और ये थैली तो सभी के घरों में होती है, कुछ ना कुछ इनमें आ ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे वैसे पड़ी ही रहती है तो इसका मैं यूज़ कर लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। और ये थैलियाँ जो है मिठाई के डब्बों में भी आ जाती हैं। तो मैं इस तरह से पहले मैंने लंबाई में काट लिया, उसके बाद मैंने इस तरह से इसमें कट लगा लिए हैं, और मैंने झाड़ू की तिल्ली ली है तो इसको इस तरह से इसमें लपेट लूँगी। तो बस मेरा एक फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने कुछ भी कलर नहीं किया है, जो स्टिक है झाड़ू की, और हम इसमें कलर भी कर सकते हैं और जो टेप होता है उसको भी लपेट सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फ्लावर बनेगा, आगे आपके साथ शेयर करूंगी मैं किस तरह से बने हैं। तो अब जो है कि मैंने यहाँ पे ली है मिर्च और नींबू, क्योंकि मिर्च और नींबू ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी अभी है यहाँ गली में ही, तो इनको मैंने नमक के पानी में डुबो लिया है। और सब्जी मैंने ज़्यादा ली नहीं है, मुझे बस नींबू मिर्च लेना था क्योंकि हम जो है कि खाने में हरी मिर्च का ही यूज़ करते हैं, और नींबू पानी तो डेली ही बनता है क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी से आते हैं तो उनको भी नींबू पानी चाहिए होता है। और सब्जी मैंने ज़्यादा ली नहीं है, बस थोड़ी सी सब्जी ली है। इनको भी अच्छे से धो लूँगी मैं, क्योंकि किचन में ले जाने से पहले मैं सब्जियों को इस तरह से नमक पानी में धो लेती हूँ और उसके बाद ही किचन में ले जाती हूँ, और फिर मैं इनको दोबारा से किचन में धोऊंगी। अभी मैंने इनको ऐसे ही यहाँ पे धो लिया है नमक पानी में, और ये जो सब्जी वाली पन्नियाँ है ना, मैं इनको भी धो लेती हूँ क्योंकि ये फिर यूज़ में भी आ जाती हैं, तो इस वजह से मैं इनको धो के रख लेती हूँ। और जो DIY था वो अभी मेरा आधा ही हुआ है, तो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नाश्ता ही बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग गई। तो यहाँ पे मैंने ली है काली मसूर की दाल, और ये मैंने उबाल ली थी, और इनमें मैंने लगाई है 2-3 सीटी और पीस लूँगी। इसमें मैं अदरक और लहसुन डाल लूँगी, और आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं चटपटे परांठे बनाने हों अगर। तो बच्चे मेरे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है इसमें। तो मैं अभी अदरक और लहसुन डाल लूँगी, और काफ़ी ज़्यादा यमी लगते हैं ये परांठे दही के साथ, अचार के साथ, और अगर चाय के साथ भी खा लो ना तो तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पहले तो गाँव में काफ़ी ज़्यादा बनते थे दाल वाले ही परांठे ज़्यादा बनते थे, और अब तो आलू के ही यहाँ पर बनते हैं। मैं आलू के ही परांठे बनाती हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं ये दाल वाले परांठे बना रही हूँ, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगते हैं ये वाले परांठे खाने में। अगर आप वैसे तो आप बनाते होंगे, लेकिन अगर आप में से कुछ बनाते नहीं होंगे, कुछ लोग जो हैं कि बनाते नहीं हैं, मैं उनसे कहूँगी कि ट्राई ज़रूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे, बहुत ही अच्छे यम्मी लगेंगे। तो जो दाल है वो पिस गई है, इसमें मैंने डाल लिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, लाल मिर्च, और लाल मिर्च का यूज़ तो हम ज़्यादा करते नहीं हैं लेकिन परांठे में डालना पड़ता है क्योंकि बच्चे हरी मिर्च को चुन चुन के निकाल लेते हैं और खा नहीं पाते हैं।
मैं हाथ से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि चम्मच से मिक्स करो ना तो फिर कहीं मसाला ज़्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है, इसलिए हाथ से मिक्स करने में अच्छे से मिक्स। तो अब देखिए ये मैंने लोई ली है और इसके अंदर मैं भर लूँगी मसाला। मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा ही भरती हूँ क्योंकि तभी यमी लगते हैं और कम भरो तो पता नहीं चलता है। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बैठ के बनाऊं, तो मैं बस बैठ के ही बना रही हूं और मैंने यहां पे इंडक्शन रखा है, तवा गरम करने को रख लिया है। तो बस मैं ये हल्के हाथों से बेल लूंगी। और कई बार है ना कि बैठ के खाना बनाने का मन करता है, औरों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे कई बार मेरा मन करता है कि मैं बैठ के खाना बनाऊं, मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं जो है कि बैठ के ही परांठे सेक रही हूँ। तो देखिए परांठे भी सिक गए हैं और अब मैं इनमें मतलब घी लगा लूँगी और ऑयल से भी, जो रिफाइंड ऑयल होता है उससे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं घी से ही ज़्यादातर सेकती हूँ परांठे, बहुत कम ही होता है मैं तेल से सेकती हूँ। अगर घी नहीं है कम है तो नहीं, तो मैं घी से ही सेकती हूँ। और ये देखिए परांठा जो है कि सिक गया है अच्छे से दोनों तरफ से, थोड़ा फट गया है लेकिन इतना चलता है, क्योंकि मैंने मसाला ज़्यादा भरा है ना इसलिए फटा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर मैं मसाला कम भरती तो टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं इसी तरह से भरती हूँ परांठे और इतना तो चल जाता है। तो बस सिक गया है परांठा और मैं इसी तरह से दूसरा परांठा भी सेक लूंगी और फिर खाते हैं हम यम्मी यम्मी परांठे। फिर मिलते हैं आपसे। तो अब मैंने बच्चों की पानी वाली बॉटल ली है, थोड़े फ्लावर थे तो मैंने वो भी लिए हैं, तो मैंने सोचा कुछ यूज कर लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ इस वजह से। और ये देखिए पता नहीं ये मक्खी कहाँ से आ गई है, एक मक्खी। तो हाँ मैं कह रही थी कि मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करने से तो क्या फ़ायदा, ये फ्लावर पड़े थे बॉटल पड़ी थी तो फिर मैं इसको फेंक देती तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मैंने गरम चाकू की मदद से इसको काट लिया है, जो बॉटल है उसके ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट के अलग कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है वेस्ट मटेरियल का, फेंकने से तो अच्छा है कि हम कुछ यूज़ करें। तो ये देखिए DIY जो है कि मैंने इसमें रख लिया है एक फ्लावर और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए जो फ्लावर थे वो बन गए हैं और अब मैंने इस फ्लावर पॉट में ये फ्लावर लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। और हम चाहें तो अगर हमारे पास ज़्यादा थैलियाँ हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैंने इतने ही बनाए। मॉर्निंग वाले काम है वो मैंने सारे निपटा लिए हैं, तो अब जो है कि आज मैंने इतना काम निकाला हुआ है अपने लिए कि मतलब टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये देखिए ये जो कपड़े हैं ये मैंने सारे निकाल के रख लिए अलमारी से, और ये फैल गए थे क्योंकि बच्चे ऐसे ही निकाल लेते हैं तो फैल जाते हैं कपड़े, और फिर मैं इनको फोल्ड करके रख लूँगी। तो मैंने ये अलमारी में न्यूज़पेपर बिछा लिए हैं। तो गाइस मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और मैंने वीडियो छोटा ही बनाया है ताकि आप फुल वॉच करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल ऑप्शन बना हुआ आएगा उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।